हेलो एंड वेलकम टू अवर चैनल जिसका नाम है जीएस स्पेशल। तो आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे जो राज्यसभा टीवी है, जो उसका एक प्रोग्राम आता है विशेष, उस पर बेस्ड कुछ एमसीक्यूज, क्योंकि यूपीएससी के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें इनसे रिलेटेड जो जितने भी राज्यसभा टीवी, क्योंकि ये गवर्नमेंट चैनल है तो इनसे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं जो इन प्रोग्राम में बताए जाते हैं, और इन प्रोग्राम्स को स्पेशली प्रिपेयर्ड भी किया जाता है एक यूपीएससी एस्पिरेंट की आकांक्षाओं और उसकी ज़रूरतों के अनुसार। तो हम इसी प्रोग्राम में से कुछ एमसीक्यूज बना के लाए हैं आपके लिए, जिससे आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ फ़ायदा अवश्य होगा आने वाले यूपीएससी के जितने भी एग्जाम्स हैं, चाहे वो प्रीलिम्स हो या सीएपीएफ हो या कोई सा भी एग्ज़ाम यूपीएससी का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और अपना रिस्पॉन्स ज़रूर दीजिएगा आपको ये हमारी नई सीरीज़ कैसी लगी। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द असर। असर के बारे में निम्नलिखित स्टेटमेंट को कंसीडर करना है, क्या असर रेफर टू एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट, क्या असर में एनुअल की जो फुल फॉर्म है एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट है। सेकंड कह रहा है इट इज़ हाउस होल्ड बेस्ड सर्वे, क्या हाउस होल्ड पे बेस्ड सर्वे है ये। और थर्ड कह रहा है कि इसको रिलीज किसके द्वारा किया जाता है, नीति आयोग के द्वारा। आपके सामने ऑप्शन है 1 एंड 2 सही है, 1, 2, 3, 2, 3 एंड 1 एंड 3। बताइए आपको क्या लगता है इसका राइट आंसर क्या है। अगर आपने विशेष के प्रोग्राम देखे हैं तो आप इन क्वेश्चंस को डेफिनेटली अटेम्प्ट कर पाएंगे, और अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप हमारा ये एमसीक्यूज को देखे काफ़ी कुछ जानकारी उन जितने भी विशेष प्रोग्राम डालता है राज्यसभा टीवी उसका एक कंक्लूजन आपको हमारी इसी वीडियो में आसानी से मिल जाएगा। तो देखते हैं इस क्वेश्चन का। देखो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट, तो बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है, हाल ही में इसकी डाटा भी पब्लिश हुआ था। तो असर रेफर क्या करता है, एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट, तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी ठीक हो जाती है। सेकंड स्टेटमेंट क्या, इट इज़ हाउस होल्ड बेस्ड सर्वे, बिल्कुल हाँ, आप इसमें कंफ्यूज हो सकते हो कि एजुकेशन से रिलेटेड है तो हो सकता है स्कूल में कंडक्ट किया हो गया, और नहीं, इस रिपोर्ट की खासियत ही यही है कि ये हाउस होल्ड बेस्ड सर्वे, कि डाटा कहाँ से कलेक्ट किया जाता है, हाउस होल्ड के द्वारा घर पे जाके कलेक्ट किया जाता है। तो हमारी फर्स्ट भी ठीक है, सेकंड भी ठीक है, और जो थर्ड कह रहे नीति आयोग, जी नहीं ये गलत है, नीति आयोग ने एक एनजीओ है, एनजीओ प्रथम है करके, उसने ये जो असर रिपोर्ट है वो पब्लिश करता है, ठीक है, एनजीओ प्रथम। तो ये सेकंड थर्ड स्टेटमेंट हमारी हो जाती है गलत, फर्स्ट और सेकंड सही है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। तो इसका राइट आंसर हो गया हमारा ए, ठीक है। आपको याद होना चाहिए कि असर रिपोर्ट को पब्लिश कौन करता है, एनजीओ प्रथम एनजीओ है, ठीक है, वो करती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसमें कह रहा है व्योम मित्रा जो हाल ही में न्यूज़ में था उससे रिलेटेड बताना है, इस पर एक प्रोग्राम भी आया था राज्यसभा टीवी पे, उसी से हमने क्वेश्चन बनाया है। तो व्योम मित्रा है क्या बेसिकली, ऑप्शन ए में कह रहा है कि ये एक एंटी टैंक मिसाइल है जो डेवलप की गई है डीआरडीओ के द्वारा। एंटी टैंक मिसाइल क्या, जो टैंक्स पे अटैक करने के लिए मिसाइल वगैरह बनाई जाती है। सेकंड क्या है कि ये एक ह्यूमन रोबोट है, किसके द्वारा डेवलप किया गया, सीएसआईआर के द्वारा। थर्ड क्या कह रहा है, ये एक लेडी रोबोट है जो किसके द्वारा डेवलप किया गया, इसरो के द्वारा। और फोर्थ स्टेटमेंट में कह रहा है कि ये एक स्पाईवेयर है, स्पाईवेयर आपको पता होगा जो फोन्स वगैरह को अफेक्ट करता है, जैसे एक पेगासस वायरस स्पाईवेयर भी काफ़ी न्यूज़ में था पिछले दिनों, तो ये सब आपको पता होगा। तो बताइए आपको क्या लगता है इसका राइट आंसर क्या है। देखो जो व्योम मित्रा है ये क्या है, एक लेडी रोबोट है, और किसके द्वारा बनाया गया, इसरो के द्वारा। तो इसकी राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी, सी हमारा हो गया इसका राइट स्टेटमेंट। और इसके बारे में थोड़ी और जानकारी देख लेते हैं, व्योम मित्रा क्या है। देखो जो हम गगनयान मिशन भेजने वाले हैं, भारत इसरो भेजने वाला है 2022 में, तो उससे पहले हम बहुत सारी टेस्ट फ्लाइट करेंगे जिसमें हम भेजने की कोशिश करेंगे कि वहाँ की कंडीशंस कैसी रहेगी वुमेंस के लिए। तो उसी से रिलेटेड हमने एक लेडी रोबोट को डेवलप किया है, ठीक है, जिसका नाम रखा व्योम मित्रा। इसको जो अभी भेजने की इसरो ने डेट अनाउंस किया वो की है 2020 में भेजेंगे, दिसंबर 2020 में फिलहाल डेट अनाउंस है। तो फर्स्ट टेस्ट फ्लाइट होगी गगनयान के लिए, गगनयान में तो इंसान जाएंगे लेकिन जो व्योम मित्रा जाएगा वो उसकी पहले एक प्रैक्टिस कराई जाएगी। तो इसलिए भेजा हमने जो रोबोट ट्राई तैयार किया उसका नाम है व्योम मित्रा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। इसमें कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पार्डन पावर ऑफ प्रेसिडेंट। पार्डन पावर प्रेसिडेंट की क्षमादान की शक्ति से रिलेटेड क्वेश्चन है, क्योंकि ये काफ़ी न्यूज़ में भी था, जो निर्भया केस के कन्विक्ट है उनके लिए समाधान याचिका काफ़ी न्यूज़ में चल रहा था, इसी में प्रोग्राम भी आया था, तो उसी से हमने क्वेश्चन फॉर्म किया उसी विशेष के प्रोग्राम से। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है, ए प्रेसिडेंट इज एम्पावर्ड विद द पावर ऑफ पार्डन अंडर आर्टिकल 72 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कि जो संविधानीय संविधान का अनुच्छेद 72 है वो प्रेसिडेंट को क्षमादान की शक्ति प्रोवाइड करवाता है शक्ति। और सेकंड में क्या कह रहा है, द प्रेसिडेंट शैल हैव द पावर टू ग्रांट पार्डन इन ऑल केसेस वेयर द पनिशमेंट और सेंटेंस इज बाय कोर्ट मार्शल, की कोर्ट मार्शल के द्वारा जब किसी को सजा दी गई है तो उस पर भी प्रेसिडेंट अपनी पार्डन पावर का इस्तेमाल कर सकता है, समाधान की शक्ति का इस्तेमाल कर सकता है जब किसी पे कोर्ट मार्शल किया गया हो। बताइए आपको क्या लगता है कौन सी स्टेटमेंट सही है, आपके सामने ऑप्शन सी है। देखो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो बिल्कुल करेक्ट है कि जी हाँ आर्टिकल 72 में बताया गया है प्रेजिडेंट की समाधान की शक्ति
ठीक है। और सेकंड स्टेटमेंट ये भी हमारी ठीक है कि जो कोर्ट मार्शल संबंधित सैन्य न्यायालय मतलब द्वारा जो दंड दिया जाता है उस पर भी प्रेसिडेंट अपनी क्षमादान की शक्ति का प्रयोग कर सकता है। तो दोनों स्टेटमेंट हमारी सही हो जाती है, राइट आंसर हमारा हो जाएगा वन एंड सेकंड, मतलब बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जो प्रेसिडेंट की समाधान की शक्ति है आर्टिकल 72 के अंतर्गत, उसमें प्रेसिडेंट सजा को माफ़ कर सकता है या सजा का लघुकरण कर सकता है, ठीक है, या तो सजा दी गई है उसकी दंड की प्रवृत्ति चेंज कर सकता है, जैसे किसी को फांसी की सजा दी गई है तो उसको उम्र कैद में परिवर्तित कर सकता है, ठीक है, या सजा पे कुछ समय के लिए विराम लगा सकता है, ठीक है, ये सारी क्षमादान की शक्ति के अंदर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, ये देखो हाल ही में मकर संक्रांति गया था, तो मकर संक्रांति को भारत में अलग अलग नामों से मनाते हैं अलग अलग राज्यों में, तो आपके सामने वो त्यौहारों के नाम दिए गए और इधर राज्यों के नाम दिए गए, तो आपको बताना कौन कौन से इसमें सही से मैच है। माघी क्या हरियाणा में मनाया जाता है, खिचड़ी क्या महाराष्ट्र में, भोगाली बिहू क्या असम में, या शिशुर संक्रांति कश्मीर वैली कश्मीर की घाटी में, और आपके सामने ऑप्शन सी है। बताइए आपको क्या लगता है इनमें से कौन कौन सही है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपीएससी ऐसे पूछ लेता है मैचिंग के लिए वाले, तो आपको पता होना चाहिए। तो देखो हम देखते हैं इसको, तो मघी है ये हरियाणा में ही बनाया जाता है, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में मघी नाम से जानते हैं मकर संक्रांति, तो फर्स्ट तो हमारा ठीक है। खिचड़ी क्या महाराष्ट्र में, जी नहीं खिचड़ी बनाया जाता है उत्तर प्रदेश में, तो सेकंड हमारा हो गया गलत। और भोगाली बिहू, बिहू से आपको पता होना चाहिए क्योंकि वहाँ का डांस फॉर्म भी फेमस है, तो असम का, थर्ड हमारा बिल्कुल ठीक हो गया। और शिशुर संक्रांति ये भी हाँ कश्मीर वैली में, तो ये भी ठीक है, मतलब हमारा सेकंड गलत है क्योंकि ये तो उत्तर प्रदेश में बनाया जाता है खिचड़ी, और बाकी सारे ठीक है। तो आंसर 134 हमारा डी में है, तो इसका राइट आंसर हो गया डी, ठीक है, आपको ऐसे ही पता होना चाहिए, तो ये इसका हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 आज का लास्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ब्रू ट्राइब, ब्रू ट्राइब हाल ही में न्यूज़ में ब्रू रिफ्यूजी से रिलेटेड, तो इसमें आपको बताने कौन से हैं। इन त्रिपुरा दे आर रिकॉग्नाइज्ड एज ए पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइब ग्रुप, PVTG होते हैं ना जो पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइब ग्रुप्स, त्रिपुरा में मतलब ये कह रहा है कि ब्रू ट्राइब्स को PVTG का क्राइटेरिया दिया गया, क्राइटेरिया दिया गया। और सेकंड स्टेटमेंट क्या है, द ब्रूज आल्सो रेफर्ड एज द रियांग्स, मतलब इनको रियांग्स नाम से भी जानते हैं, और ये कहाँ कहाँ पे स्प्रेड है, नॉर्थ ईस्ट के किस किस राज्य में, त्रिपुरा में, असम में, मणिपुर, ये मिजोरम में। बताइए आपको क्या लगता है कौन सी स्टेटमेंट सही है। देखो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो बिल्कुल ठीक है कि इनको PVTG का क्राइटेरिया दे, PVTG क्या होता है, पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइब्स, मतलब ऐसे ट्राइबल्स ग्रुप जो अभी भी बहुत ही एंसेंट तरीकों से रह रहे हैं, ठीक है, जिनकी जो खेती करने के तरीके है वो सब्सिस्टेंस है, मतलब सिर्फ अपने इस्तेमाल के लिए खेती करते हैं, ठीक है, और उनकी ट्राइब्स में निरंतर संख्या उनकी कम होती जा रही है, क्राइटेरिया होता है। तो भारत में अब तक कितने PVTG है, 75, 2019 के UPSC के एग्जाम में इससे रिलेटेड तो क्वेश्चन भी आया था, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आपको बताना चाहिए भारत में कितने PVTG है, 75 ट्राइबल्स ग्रुप। और सेकंड स्टेटमेंट, जी हाँ ये भी बिल्कुल ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट ठीक हो जाती है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बोथ मतलब डी हो गया हमारे इसका राइट आंसर, ठीक है दोस्तों। तो ये था हमारा लेक्चर, आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइए, और आपके अगर कोई डाउट्स, कोई क्वेरीज, कोई सजेशन है तो प्लीज़ हमारे साथ शेयर कीजिए, ठीक है, थैंक यू।